आज का क्वेश्चन है हमारा कि किसी पार्क एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें बढ़ा दी जाती है, तो जो प्रत्येक दिन आने वाला जो विजिटर था उसका संख्या घट गया। तो यदि पहले टोटल राजस्व जो मिल रहा था, टोटल कलेक्शन आ रहा था 1,76,000 हो रहा था, तो अब कितना होगा? देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप पढ़े भी होंगे, बस इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आपको करना है। चलो देखते हैं क्या है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमको यहाँ पर देखना है क्या कि अब जब टिकट का कलेक्शन करते हैं, जो हमारे पास पैसे का कलेक्शन आएगा, तो वहां पे आएगा क्या कि यहाँ जो होगा एक टिकट का दाम और गुना टिकट की संख्या। हमारा टोटल कलेक्शन बताएगा कि एक टिकट मान लीजिए हम 10 रुपए में बेचते हैं, टोटल 100 टिकट बेचे तो 1,000 रुपए हम बोलेंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो संख्या का जो रेशियो है यह टिकट बेचने का, वो कितना हो गया? 8 यदि पहले बेच रहे थे तो अब हो गया मेरा 7। यदि हम पहले 8 टिकट बेच रहे थे तो अब टिकट हम बेच रहे हैं 7, और जो इसका दाम था वो हो गया 11 से 12। दाम बढ़ा दिए हैं, दाम बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी का कीमत बढ़ता है तो कोई संख्या घटता है। खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर जो है कलेक्शन आएगा, ठीक। कलेक्शन हमारा कितना आ रहा था? तो पहले आ रहा था 88 का, अब आ रहा है 12 का, नहीं सॉरी, आपका कलेक्शन है 84 का। 84 का, तो मतलब पहले 22 अब 21, 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे कहता है क्या कि नहीं, पहले हम 1,76,000 रुपया कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर कितना कर रहे हैं? 22। मतलब जो वर्तमान में है राजस्व जो होगा, जो लिखा है, तो हो जाएगा 1,76,000 बटा पहले था 22 और गुणा अब क्या हो जाएगा? 21। मतलब 1,76,000 क्या था? 1,76,000 पहले का कलेक्शन था, एक रेशियो में कलेक्शन कितना था 22, तो 22 से 8 बार में कट जाएगा और ये टोटल आएगा 1,68,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।